हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ एक्सरसाइज और योगा से रिलेटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसको आप लोगों ने अपनी दिनचर्या में शामिल किया है और उसका आपको फायदा भी जरूर हुआ होगा। तो आज हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ और एक्सरसाइज एंड योगा बताऊंगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स भी शेयर करूंगी जो मैं फॉलो करती हूँ और जिनसे मुझे फायदा भी हुआ है। तो चलें पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं और बाकी की इंफॉर्मेशन मैं उसके बाद आपको देती हूँ। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग उन्हीं एक्सरसाइज से जो मैंने आपको पहले बता रखी हैं। पिछली वीडियो में मैंने जितनी भी आप लोगों को एक्सरसाइज बताई थी वो सब एक्सरसाइज बेसिक हैं बिल्कुल, तो आई होप आप लोगों को करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती होगी और आप लोग रोज करते होंगे। मैं इन एक्सरसाइज को हर रोज़ करती हूँ और मुझे इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। मैंने अपना वेट लूज़ किया है। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मेरे जो ड्रेसेस हैं वो थोड़े थोड़े लूज होना शुरू हो गए हैं। मुझे जो जीन्स नहीं आती थी अपनी पहले की, वो जीन्स अब आनी स्टार्ट हो गई है। मैंने अपना वेट चेक तो नहीं किया अभी, मैं चेक करके भी आपको बहुत जल्दी बताऊंगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरा वेट 62.5 था जब मैंने चेक किया था लास्ट टाइम। अभी 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया है उसको, तो अभी मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगी चेक करने का, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज आप ज़रूर किया करें। ये मैं एक्सरसाइज अभी इसलिए कर रही हूँ दोबारा से ताकि मेरे को थोड़ा सा वार्म अप हो जाए मेरा बॉडी, और मुझे जो मैं अभी आपको आसन बताने वाली हूँ आज, वो करने में थोड़ा ईजी हो। तो मैं ये आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपने आप को फिट रखें। फिट होंगे तो हैप्पी भी होंगे आप साथ में, है ना? तो ये एक्सरसाइज रोज़ करनी आप लोगों ने। एंजल को भी बड़े मज़े आते हैं जब ये बार बार आके बीच में परेशान करती है मुझे, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अपना एक्सरसाइज करने में, पर बड़ी खुश होती है ये साथ में कि मम्मा कर क्या रही है। कभी हाथ लगाती है, कभी भाग जाती है, ऐसा चलता रहता है। आप लोग के घर में भी होंगे छोटे छोटे से बच्चे, आप लोग सोचते होंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट आप लोगों को करना चाहिए। तो चलें अब बढ़ते हैं अपने आज की आसन की तरफ। दोस्तों, इस आसन का नाम है वृक्षासन। अपने पैर को इस तरह से सीधा रख के एक टांग पे खड़े होना है और दूसरी टांग को इस तरह से मोड़ कर अपने पैर को अपनी जांघ पे टिकाना है और अपने हाथों को ऊपर ले जाते हुए जोड़ लेना है। दोस्तों, ये आसन करना बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और उन्हें बॉडी बैलेंस करने में बहुत ही हेल्प मिलती है। अगर वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं अपनी बॉडी को, तो शुरुआत में इस तरह से कमर पर हाथ रख सकते हैं, और अगर तब भी अपनी बॉडी को बैलेंस शुरुआत में नहीं कर पा रहे हैं तो अपने हाथों को सीधा रखकर दोनों साइड्स लेफ्ट और राइट हाथ को खोलकर फिर बॉडी का बैलेंस बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब इस तरह से बैलेंस बनना स्टार्ट हो जाए तब फिर वृक्षासन की पोजिशन में अपने बच्चों को लाने के लिए कहिए। आप खुद भी ये कर सकते हैं, इससे आपको भी अपने बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। तो ये आसन आपको रोज़ करना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं आज के दूसरे आसन की तरफ। इस आसन का नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हमें नमस्कार करना है, फिर हाथों को खोलते हुए पीछे की तरफ झुकना है और सांस भरना है साथ में। अब सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और दोनों हाथों को ज़मीन पे छूने की कोशिश करनी है। फिर हमें पैर को पीछे लेके जाना है और आसमान देखना है, फिर दूसरा पैर भी पीछे ले जाकर
आगे की तरफ झुकना है और अपने दोनों घुटनों को, छाती को, नाक को ज़मीन पे लगाना है और फिर अपने पैर देखने हैं और फिर आसमान देखना है और फिर एक पैर फिर आगे लेके आना है और आसमान की तरफ देखना है और फिर दूसरे पैर को भी आगे लेके आना है और फिर वही आसन रिपीट करना है पीछे की तरफ झुकने वाला और फिर नमस्कार की पोजीशन में। मैंने बहुत जल्दी जल्दी बताया आपको ये आसन क्योंकि एंजल बहुत परेशान कर रही थी तो मैं बना ही नहीं पाई, आराम आराम से जल्दी जल्दी किया। तो अभी ये साइड की पोजीशन से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप बिल्कुल पोजीशन के बारे में क्लियर हो जाएं। दोस्तों ये पूरे 12 आसन होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, वो मैं अपनी किसी और वीडियो में आपको पूरा डिटेल में इन आसन के बारे में बताऊंगी और इनके बेनिफिट्स के बारे में भी बताऊंगी। मैं बस इस वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि जिनको पीठ दर्द की प्रॉब्लम है उनको पीछे की तरफ ज़्यादा झुकाव अपनी पीठ में नहीं लेके आना है, सीधे ही रखना है और 4-5 बार से स्टार्ट करते हुए 12 बार ये आसन करना है। इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 12 बार मोर देन सफिशिएंट होता है। 12 आसन है तो 12 बार ही करने हैं। तो दोस्तों मैं सूर्य नमस्कार के बारे में आपको 2-3 बातें बता देती हूँ। सूर्य नमस्कार करने से हमें और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सूर्य नमस्कार आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। सूर्य नमस्कार में हमारी पूरी सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी का योगा हो जाता है और इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। बैकएक नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फैट कम होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं सूर्य नमस्कार के। अगर आपके पास टाइम नहीं है, सूर्य नमस्कार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए ये 5-10 मिनट में आप इजीली हर रोज़ कर सकते हैं। उससे आपके फेस पे भी ग्लो आएगा। मैंने खुद अपने ऊपर ये आज़माया है। मेरा फेस बहुत ख़राब होने लग गया था अभी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अभी जब से मैंने सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट किया है तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। तो चलें अब हम लोग बात कर लेते हैं हेल्थ टिप्स की। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब सुबह उठते हैं तो पानी पीना है 2-3 ग्लास। अगर गुनगुना पानी पी सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो गुनगुना पानी पीती हूँ, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करती हूँ और एक्सरसाइज करने के थोड़े टाइम के बाद नींबू पानी और शहद पीती हूँ गुनगुने पानी में डाल के। नींबू पानी और शहद पीने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हेल्दी हो जाता है। और हाँ, याद रखें कि गुनगुना पानी होना चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं होना चाहिए, उससे शहद के गुण हमें नहीं मिल पाते हैं अगर ज़्यादा गर्म पानी हम पियेंगे तो। सुबह जल्दी उठिए और कम से कम आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें। सुबह की वॉक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, खासकर जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए सुबह की वॉक बहुत फ़ायदेमंद है। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज बताई थी उसके साथ साथ आप सूर्य नमस्कार भी कीजिए। शुरुआत में एक बार कीजिए, दो बार कीजिए, फिर 5 बार कीजिए। कम से कम 5-10 बार आप रेगुलरली सूर्य नमस्कार कीजिए, उससे और तेज़ी से आपका वेट लूज़ होगा और आप फिट होंगे। गाइज, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा वेट 62.5 है। अभी तक तो मैंने अपना वेट दोबारा से किया नहीं है, तो अगर आप लोगों ने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज करना और अपना वेट चेक किया है उसके बाद दोबारा से, और अगर वेट कम नहीं हुआ है तो टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी। कई बार 2-3 महीने तक स्टेबल रहता है वेट और उसके बाद से धीरे धीरे लूज़ होना स्टार्ट होता है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और फिट रहिए। बाय बाय।